हमारे दोनों गुरुओं का बहुत पहले की फोटो लगी है और अब ये शादी रिन्यूअल हो रहा है, ये रिन्यूअल हो रहा है। गुरु जी के फोटो एकदम वैसे है गुरु जी मेरे, क्योंकि अगर नींव महसूस नहीं होगी तो परिवार का आनंद ही नहीं रहेगा। तो मैं मस्त कहना चाहता हूँ श्रीमती दीक्षित देवी और गीता देवी, क्योंकि मंदिर गीता जी उनको प्राप्त नहीं है। फाउंडेशन के आदरणीय बड़े भाई श्री शिव प्रसाद आनंद जी, अध्यक्ष जी रिंकी जी, संजय भाई, अंजू आनंद जी, भैया रमेश जी और हमारे भाई और कलाकार आर्टिस्ट श्री गया प्रसाद जी और हम सबके आकर्षण के केंद्र बिंदु आज जिनको गोंडा जिले की तरफ से चयनित किया गया राज्य पुरस्कार के लिए, हमारे भाई बहुमुखी प्रतिभा के धनी भैया सुनील आनंद जी, जोरदार तालियां आप सब सुनते हैं। सर आए और सर को पानी पिलाकर पहले, उसके बाद अपनी ड्यूटी पर सर आएंगे और हमारा सौभाग्य है इस गांव की खबर को प्रदेश के विभिन्न चैनलों तक पहुँचाने का कार्य और सर को बताना चाहेंगे। हमारे बीच में माननीय सुरलाल सर और स्वागत है सर, आनंद परिवार आपका हार्दिक स्वागत वंदन करता है। इस समय आपको बताना चाहते हैं कि आज इस कार्यक्रम में हमारे छोटे से गांव में आप सबका जो पदार्पण हुआ है ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। इस गांव की धरती धन्य है कि आप जैसे महापुरुष, आप जैसे सज्जन लोग हमारे गाँव में आए हैं। हम शब्द नहीं पा रहे क्योंकि एक छोटा सा गाँव और आप सबका जो कहते हैं कि सब बड़ा दिल, इसलिए आप खड़ा हो जाओ नीले लड़कों के लिए। अरे लाइट आई है। शिक्षक जिन्होंने हार नहीं मानी, अरे क्या बोलो, धन्यवाद। ये बच्चे हमारे जो आए थे इन बच्चों का सम्मान और इस धरती पर हमने जन्म लिया ये सोच के मैं इधर आता हूं। हमारे बीच में अमर कौशल सर, हमारे बहुत ही युवा आयुर्वेद और चिकित्सा के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान, कोरोना काल में जब लोग चुनाव में ट्रेनिंग कर रहे थे उस समय आपका सानिध्य मिला, हमेशा बच्चों के लिए कॉपी किताबें भेंट करते रहते हैं और हमारे बीच तमाम ऐसे साथी हैं, बरसाती भैया जो कानपुर से चलकर आए हैं, भाई प्रमोद दरबार जी और नाम में जितना नाम, शांति फाउंडेशन से जुड़े हुए सभी लोगों का हृदय से नमन करता हूं। दूर दराज से, राजस्थान से, बलरामपुर से, बहराइच से, अपने जनपद गोंडा से जितने भी हमारे विद्वान साथी आए हैं, मैं आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया से पधारे हुए हमारे पत्रकार बंधु जिनकी उपयोगिता यह होती है कि छोटी सी छोटी आवाज बड़ी आवाज हो जाया करती है, बुलंद आवाज हो जाया करती है। मैं आपका भी इस मंच से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मेरे प्यारे बच्चों जिनका अभी यहां पर प्रेजेंटेशन हो रहा था, मैं आप सभी लोगों